प्रेज द लॉर्ड। सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रदेश अभिषेक मीडिया की प्रभात प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए परमेश्वर का वचन मनन करके आज का दिन हम शुरू करेंगे। प्रियो, हर एक दिन एक नया शुरुआत है। परमेश्वर का वचन मनन करके नया दर्शन के साथ, नया निर्णय के साथ हमारा आज का दिन हम शुरू करेंगे। आइए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहले अध्याय चौथा पद। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अनुग्रहित वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। वचन में ऐसे लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। दुनिया से, दुनिया के हर एक अभिलाषाओं से, पाप से, शैतान के हर एक जाल से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। अब परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम कोई योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। यूहन्ना की पत्री में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए। प्रियो, प्रभु ने हमें अपनाया है, परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए हमें योग्य बनाया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। समझना है कि जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान को दर्शाता है। समझ लीजिए प्रियो, प्रभु ने हमें अपनाया है। काफी सारे लोग थे इस पृथ्वी पे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम चुने हुए वंश है। देखो परमेश्वर ने हमें क्यों चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें क्यों चुन लिया है। देखिए यहाँ पे दो बात हम देख सकता है। देखिए, परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। दो बात यहाँ पे लिखा है, हम पवित्र होने के लिए और निर्दोष होने के लिए। देखो लिखा है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। प्रेम में हम बने रहने के लिए, पवित्रता से आगे बढ़ने के लिए है, हम निर्दोष में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। देखो हमारे बुलाने वाले परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र बनना है। पवित्र होने के लिए परमेश्वर जगत से, इस संसार की हर एक सामर्थ्य से प्रभु ने हमें अलग किया है, चुन लिया है। हम निर्दोष होने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। प्रियो, अंतिम दिन तक, हमारी आखिरी श्वास तक पवित्रता से, विश्वस्त योग्यता से, निर्दोष से प्रभु के चरणों में हम आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। याद रखना, हम चुने हुए वंश। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, पवित्र उपस्थिति में आने के लिए आपने हमें मदद किया, आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें अलग किया है। प्रभु जी, आपके हाथ में सौंप दे, अंतिम दिन तक प्रभु जी पवित्रता से आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें। प्रार्थना ग्रहण के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।